ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पति की लंबी दीर्घायु की कामना कर मनाए जाने वाले हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व वट सावित्री अमावस्या उमरिया जिले के बीर सिंहपुर पाली में बड़े ही श्रद्धा उल्लास और भक्तिभाव के साथ वट वृक्ष के नीचे मनाया गया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने देवालयों में स्थित वट वृक्ष के नीचे और सुविधा अनुसार घरों में पूजा की थाली सजाकर विधिवत पूजा आराधना कर व्रत का पालन किया। नगर के प्राचीन माता बिराजनी मंदिर प्रांगण में क्षेत्र की महिलाएं सुबह से पूजा अर्चना के लिए पहुंची और परंपरा के मुताबिक व्रत का पालन कर वरदान मांगा। कहा जाता है कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए सबसे पहले इस व्रत का पालन कर यमराज को प्राण वापस करने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद ये व्रत सभी सुहागिन महिलाएं आज भी बड़े श्रद्धा के साथ करती चली आ रही हैं। व्रत में मीठे पकवान, चना, दाल, लाल कपड़ा, फल, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित कर लाल पीला कलेवर से फेरी लगाई जाती है। साथ ही कथा का श्रवण भी किया जाता है। वहीं यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन बच्चियों द्वारा गुड्डा गुड़ियों की शादी के बाद आज उनकी गांठ भी जोड़ी जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष अत्यंत पूजनीय है, जहां महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज वट सावित्री का व्रत है और यह व्रत सावित्री ने अपने पति की जान बचाने के लिए रखा था और इसमें हम अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं और इसमें फेरी देने का महत्व है। कच्चे सूत से फेरी दी जाती है 7 बार 5 बार जितने बार भी देना है और सब फल चढ़ाए जाते हैं, नारियल और चने की दाल। चने का बहुत महत्व है इसमें। आज वट सावित्री अमावस्या है, जो सभी हम सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। जैसे कि इसके प्राचीन कथा है कि सावित्री सत्यवान की मृत्यु होने के बाद में उनकी जीवन यमराज के द्वारा इन्हें प्राप्त किया था आज के व्रत करने के बाद में। आज वट सावित्री का व्रत है, उसको सभी लोगों ने हिंदू समाज में बहुत अच्छे रूप से मनाया गया है। उसको अपन लोग वट सावित्री के व्रत में पति के लिए ही व्रत रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं वट सावित्री की, व्रत के पेड़ के नीचे। उसमें फल, मीठी पूड़ियाँ और चने की दाल की पूजा करते हैं।